देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। और आज हम जिस पर्सनालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर फ्रॉम पुर्तगाल। पुर्तगाल से उनका ताल्लुक है और एक बहुत बड़ा नाम है सॉकर प्लेयर्स में, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर्स के नाम से उनको जाना जाता है ऑल टाइम। और बहुत सारी चैंपियनशिप्स उन्होंने लड़ी हैं, बहुत सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। अगर हम उनकी बर्थ डेट की बात करें तो फरवरी 5, 1985 को रोनाल्डो की पैदाइश हुई आयरलैंड ऑफ मेडेरा में, जो पुर्तगाल में ये जगह है आयरलैंड ऑफ मेडेरा, वहाँ पर। और आज रोनाल्डो की एज है 36 ईयर्स ओल्ड। और अगर हम उनकी अर्ली एजुकेशन की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहीं से भी अर्ली एजुकेशन की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में, बहुत थोड़ी सी स्कूलिंग के बाद से सॉकर प्ले करना, सॉकर खेलना शुरू कर दिया था। और वो सॉकर ऑफिशियल और प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बनने की तरफ उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया और एक प्रोफेशनल टीम के साथ उन्होंने साइन कर लिया अपना एग्रीमेंट जब सिर्फ रोनाल्डो की एज 16 ईयर्स ओल्ड थी। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें सो रोनाल्डो ने कोई हायर एजुकेशन भी नहीं ली, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी जो प्रोफेशनल सॉकर टीम्स हैं, प्रोफेशनल सॉकर ट्रेनिंग सेशंस जो है वो अटेंड करना शुरू कर दिए, और इसलिए आज उनका बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन सॉकर प्लेयर्स की लिस्ट में नाम है। और अगर हम बात करें कि रोनाल्डो ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, तो रोनाल्डो ने अपना प्रोफेशनल सॉकर करियर 2002 यानी कि 2002 में स्टार्ट किया, और उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया स्पोर्टिंग CP के साथ, ये एक छोटी सी लीग है पुर्तगाल में, वहाँ से। और उसके बाद वो टीम के बेस्ट प्लेयर बन गए बहुत जल्दी, और फिर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 2 साल काम किया। अगर हम बात करें अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि रोनाल्डो ने कितने अवार्ड्स जीते हैं, तो रोनाल्डो ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें 30 मेजर अवार्ड्स हैं, 30 मेजर रिकग्निशंस हैं, जिसमें यूरोपियन गोल्डन शूज़ हैं, 5 बैलून और अवार्ड्स भी हैं उसके अंदर। अगर हम बात करें बहुत सारे और अवार्ड्स की, तो बहुत सारे मल्टीपल लीग के टाइटल्स हैं जो उन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ टीमों के साथ खेलते हुए जीते। तो ओवरऑल अगर लगभग बात की जाए तो 30 के करीब बहुत बड़े टाइटल्स रोनाल्डो ने अपने नाम किए। और अगर हम रोनाल्डो के कुछ फेमस कोट्स की बात करें जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं, उनके नाम के साथ अटैच्ड हैं, तो एक कोट जो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है वो है, योर लव मेक्स मी स्ट्रांग, यानी कि आपका प्यार मुझे ताकत देता है, एंड योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल, और आपकी नफरत मुझे ऐसा बना देती है कि मैं फिर रुक नहीं पाता और भी मेहनत करता हूँ। ये मेरा फेवरेट कोट है, योर लव मेक्स मी स्ट्रांग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। ये एक फेवरेट कोट है जो रोनाल्डो का कोट है और रोनाल्डो के नाम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अगर हम किसी और चीज़ की बात करें जिससे आप सब सुनकर बहुत मजा आएगा, आप सबको जो सॉकर देखते हैं, जो रोनाल्डो को देखते हैं, एक और चीज़ है जो रोनाल्डो के नाम के साथ अटैच्ड है, वो है रोनाल्डो का सिग्नेचर CU सेलिब्रेशन। जी हाँ, जब भी रोनाल्डो मैच में कोई गोल करते हैं तो वो जंप करते हैं हवा में और इस तरह करके स्पिन करते हैं और घूमते हैं हवा में चारों तरफ और बहुत ऊंचा सा चलाते हैं CU। अच्छा, CU जो है एक ये, और ये रोनाल्डो का एक एक कामयाबी और एक गोल को सेलिब्रेट करने का तरीका होता है, और CU जो है बेसिकली एक गोल सेलिब्रेशन वर्ड तो है ये, एक पुर्तगीज एक्सप्रेशन है, क्योंकि रोनाल्डो का ताल्लुक खुद भी पुर्तगाल से है। सो ये एक पुर्तगीज एक्सप्रेशन है जिसका मतलब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में लें तो जैसे हम खुशी से कहते हैं कम ऑन यस, तो वो रोनाल्डो का एक एक्सप्रेशन है जब वो गोल करते हैं तो CU कहते हैं, स्पिन करते हैं हवा में, जंप करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपना गोल करना। सो बड़ा मजे का एक्साइटिंग सेलिब्रेशन स्टाइल है जो रोनाल्डो के साथ बड़ा अटैच्ड है। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे व्यूअर्स हर पर्सनैलिटी का जानना चाहते हैं, नेटवर्थ, टोटल वर्थ कितनी है, टोटल उनके नाम क्या क्या है। सो एज ऑफ 2022 अगर बात की जाए तो रोनाल्डो की नेटवर्थ जो है वो $500 मिलियन है, और एग्जैक्टली नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता, बिकॉज रोनाल्डो और बहुत सारी जो फेमस और भी पर्सनैलिटीज़ हैं वो बहुत सारी इंडोसमेंट से, बिजनेस वेंचर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। मंथली इनकम की बात करें तो अराउंड $100 मिलियन पर ईयर वो कमाते हैं, और मंथली भी बहुत अच्छा खासा ही होती है उनकी सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि बहुत सारे उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये गेम्स के अलावा बहुत सारे वेंचर्स हैं जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। रोनाल्डो की अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है, जो उनकी अपनी जुबान है, मदर लैंग्वेज वो पुर्तगीज है, जिसमें वो सेलिब्रेशन भी करते हैं। नेटिव लैंड की बात की जाए उनका मदर लैंड की, तो वो है पुर्तगीज टेरिटरी में ही आता है, अटलांटिक ओशन के पास है, आइलैंड ऑफ मेडेरा जहाँ उनकी पैदाइश हुई। अगर रोनाल्डो की अपीयरेंस की बात की जाए तो लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है उनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि रोनाल्डो जो है
बहुत ज़्यादा एथलीटिक बिल्ड पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एथलीट्स वाली पर्सनालिटी है, 6'2" हाइट है, ब्राउन हेयर ब्राउन आइज के साथ, और रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश क्लॉथिंग के साथ देखा जाता है, और अपना क्लॉथिंग ब्रांड भी है रोनाल्डो का, और बड़ी स्टाइलिश एक्सेसरीज के साथ वो अपनी क्लॉथिंग को एक्सेसराइज करके पहनते हैं, तो उनकी बड़ी प्यारी यूनिक लुक आती है। और रोनाल्डो की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत लग्जूरियस और बहुत एक्स्ट्रा विंग लाइफ स्टाइल है। रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फास्ट कार्स में, और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं रोनाल्डो के पास जो बहुत कीमती तो हैं ही, लेकिन फास्ट कार्स में नंबर वन पे आती हैं, जिसमें लैम्बोर्गिनीज हैं, फरारीज हैं और बुगाटीज हैं। अगर बात की जाए रोनाल्डो के ईटिंग और फूड लाइफस्टाइल की, तो रोनाल्डो जो है वो एक फिटनेस फ्रीक है। जी हाँ, रोनाल्डो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी डाइट को लेके, वो बहुत कॉन्शियस है बिकॉज वो एथलीटिक, उनकी एथलीटिक फिजीक है और उसको उन्होंने मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स को जो है वो फॉलो करते हैं। और फिटनेस इंथूजियास्ट कहा जाए अगर उन्हें तो गलत नहीं होगा, और एक्सरसाइज मैन भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, जो हर टाइम जो है वो एक्सरसाइज की मूड में होते हैं। ये रोनाल्डो की वो ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इसीलिए उनकी जो फिजीक है वो बहुत अट्रैक्ट करती है सबको, वो बहुत ख्याल रखते हैं अपना। अगर हम बात करें रोनाल्डो की हाई एंड कार्स की, जो उन्होंने कलेक्ट की हुई है, जो उनके पास कार्स कलेक्शन है, गाड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन है, उसमें लैम्बोर्गिनीज भी हैं, फरारीज भी हैं, बुगाटीज भी हैं। कुछ स्पेसिफिक कार्स की बात की जाए तो बुगाटी चिरॉन उनके पास है, लैम्बोर्गिनी एवेंटेटर उनके पास है, और इसके साथ साथ फरारी 599 GTO भी रोनाल्डो ओन करते हैं। सो रोनाल्डो जो है अगर उनकी बात की जाए, उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है फिटनेस एंथुजियास्ट के नाम से, और रोनाल्डो जो है उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेड्स है जिसकी वजह से उनके सपोर्टर्स उन्हें और भी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें उनकी डेडिकेशन है, बहुत हार्ड वर्क है जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, और इसके अलावा वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं जिसपे वो इन कुछ सालों में रीसेंट ईयर्स में काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह कि वो टीम प्लेयर तो है ही, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स हैं ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। वो अपने सब प्लेयर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, और रोनाल्डो एक बहुत बड़े डोनर भी हैं। जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा मिलियंस के अमाउंट में डोनेशंस करते हैं अपनी कंट्री में, इवन वर्ल्ड वाइड जहाँ पे उन्हें लगता है डोनेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा डोनेट भी करते हैं। और उनके सपोर्टर्स की को उनकी एक और चीज़ बहुत पसंद है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनसे बहुत कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बातों का जवाब देते हैं, और ये जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है वो बहुत पसंद है उनके सपोर्टर्स को। अगर हम बात करें तो रोनाल्डो जो है एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और एंटरप्रेन्योर इसलिए है क्योंकि रोनाल्डो ने अपना बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से खुद शुरू किया, जिसमें बहुत अच्छी लाइन है उनकी क्लॉथिंग की भी, फ्रेग्रेंस की भी, और कुछ और प्रोडक्ट्स की भी। इसके अलावा एक और रेवोल्यूशन आप लोगों के लिए होगा, एक और आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा कि रोनाल्डो जो है होटल चेन भी वो चलाते हैं पुर्तगाल में। और सबसे मज़े की स्टोरी के रोनाल्डो जो हैं उनके 4 चिल्ड्रन हैं, और उनका जो रिलेशनशिप है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जॉर्जिना रॉड्रिक्स के साथ 2016 से, और इस कपल के 4 बच्चे हैं, और दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। दे आर नॉट मैरिड बट दे हैव 4 चिल्ड्रन, और बहुत अच्छा डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों का। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा रिव्यू इस फेमस पर्सनालिटी का, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट आप कौन सी पर्सनालिटी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। टिल देन, गुड बाय।